नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। यह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बाई ज्ञान सर द्वारा संचालित एक फ्री इनिशिएटिव है। इस चैनल के माध्यम से आप पीसीएस एग्जाम के सी सेट की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। आज के अपने वन क्लास वन कॉन्सेप्ट के इस शो में हम लोग इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन को कवर करेंगे। इस एक वीडियो के बाद सी सेट के पेपर में इलेक्शन से जुड़े जितने भी प्रश्न आते हैं आप सबको बड़े आराम से टैकल कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। देखिए, अगर आप हमारे टीम के पैड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर नंबर दिया गया, आप दिए गए इन नंबर से संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं। टेलीग्राम पर @studyforcivilservices सर्च करके जरूर फॉलो कीजिएगा। अब बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। देखिए, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन में ये पहला क्वेश्चन दिया गया। देखिए, सबसे पहले ना कुछ चीज़ें समझ लीजिए। जब कभी भी इलेक्शन की बात हो, अगर कभी कैंडिडेट के बारे में नहीं बताया गया कि कितने कैंडिडेट हैं, तो आपको वहाँ पे हमेशा दो कैंडिडेट मान के चलना है कि दो कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक कैंडिडेट विनिंग होगा और एक कैंडिडेट जो हार जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ आपको मान के चलना है। बाकी यहाँ पर जिक्र किया गया, देखिए, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किया और वह 5,580 मतों से पराजित हो गया, तो कुल मतों की संख्या कितनी थी? समझिए, जब इलेक्शन होगा जो वोटर्स होंगे वो 100% होंगे, है ना। अब यहाँ पे दो कैंडिडेट है, एक विनिंग कैंडिडेट और एक लूजिंग कैंडिडेट, मतलब जो जीत रहा और जो हार रहा है। जो हारने वाला उम्मीदवार है उसको 41% वोट मिल गया, इसको 41 मिला है, तो जो विनिंग कैंडिडेट है इसको कितना मिलेगा? 59% मिलेगा, ठीक। अब इसके बाद देखिए कितने मतों से हार रहा है, 5,580, है ना। जो डिफरेंस आ रहा है किसका आ रहा है, ये डिफरेंस रहा, है ना। यहाँ पर 18% का डिफरेंस है और 18% की वैल्यू दे रखा है 5,580, ठीक। अब इसको काटेंगे तो यहाँ से आपको पता चलेगा जो 1% है, 1% की वैल्यू मिलेगा 18 × 54 और 18 × 18 = 310। 1% का मान है 310, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 31,000। तो जो टोटल वोटर्स हैं कितने हैं, 31,000 हैं। यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेता है बताइए विनिंग कैंडिडेट को कितना वोट मिला है, तो आप इसमें 310 से मल्टीप्लाई कर लेते। कई बार ये भी पूछ लेता है बताइए लूजिंग कैंडिडेट को कितना वोट मिला है, तो ये भी जो भी पूछेगा आप आराम से कर लेंगे। अगर एक बार आपको बेस पता चल गया कि 1% की वैल्यू क्या, तो आप आराम से कैलकुलेशन कर लेंगे, किसी भी प्रकार का रहेगा। चलिए, तो ये पहला प्रश्न था, आपने आराम से टैकल कर लिया, समझ में भी आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखिए कहाँ पर क्या किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या दूसरा। यहाँ पर देखिए क्या दिया, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया तथा जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मत का 48% मत प्राप्त हुआ, मतलब प्राप्त करके दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित किया, तो कुल मतदाताओं की संख्या बताइए। देखिए, अब यहाँ पे कंडीशन क्या है समझिए, टोटल 100% रहे होंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब 100% में ना 8% लोगों ने वोट दिया ही नहीं, तो कितने लोगों ने वोट दिया, 92% ने, ठीक। ये 98 मैं क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है, 92%, है ना, 92% लोगों ने वोट दिया। अब समझिए इस 92 में ना, रुकिए यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है, सही से आप लिखते हैं। देखिए 100% वोटर्स हैं, इसमें से 8% लोगों ने मतदान नहीं किया, तो कितने लोगों ने किया, 92% ने, है ना। अब देखिए क्वेश्चन बोला गया, अब जो वोट मिलेगा ना, ये विनिंग और लूजिंग दोनों कैंडिडेट यहीं से वोट प्राप्त करेंगे, ठीक। अब देखिए बोला जा रहा है कि जो जीतने वाला उम्मीदवार है ना, इसको कुल वोट का 48% मिल रहा है, तो 100 का 48 इसको मिल गया, है ना। अब लूजिंग कैंडिडेट को कितना मिलेगा, अभी मत बोलेगा, 52% मिलेगा, क्यों, क्योंकि टोटल वोट ही पड़ा है 92% और इसमें से 48 यही लेकर चला गया, तो 48 और 8 कितना होता है, 56 होता है। अब बचा 44% इसको मिला है। इस डेटा को एक बार फिर से समझिए। देखिए 100 लोग थे, यहाँ पे मैं लोगों से समझा रहा हूँ, अच्छा समझ में आएगा। देखिए 100 लोग थे, 8 लोगों ने वोट नहीं दिया, 92 लोगों ने वोट दिया, ठीक। अब ये बोला जा रहा है ना कि आप 48 जो लोग हैं ना वो एक तरफ आ गए, 48 एक तरफ आ गए, अब 8 लोग हैं ही नहीं, तो बचे कितने, बचे 44, वो यहाँ पर सेट हो गए, है ना। तो यही डेटा यहाँ पर सेट किया गया, ठीक। चलिए, तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा कि कैसे आए हुए, है ना। अब देखते हैं इसका डिफरेंस क्या दिया। देखिए डिफरेंस दे रखा है 44% का, है ना, सॉरी 4% का, है ना, 4% है। अब 4% की वैल्यू क्या दे दिया है, 1100, क्योंकि जो आदमी हार रहा है कितने वोट से हार रहा है, 1100 वोट से हार रहा है। अब आपसे पूछा जा रहा है कुल मतदाताओं की संख्या बताइए, तो देखिए 1% की वैल्यू हो जाएगी 1100/4,
आपको 100% की वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करने पर पता चलेगा 1100 × 25, 1100 × 25। देखिए 25 में 11 का गुणा कराएंगे तो 275 आएगा, 275 में दो जीरो और बढ़ा देंगे तो 27,500 वोटर्स टोटल उस गांव में थे, विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये दिया है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 71% मत मिलते हैं और वह 756 मतों से चुनाव जीत जाता है, कुल मतों की संख्या कितनी है? बेहतरीन प्रश्न है, आसानी से कर लेंगे। देखिए 100 टोटल है ना, 100% मानिए या फिर 100 मानिए, है ना। इसमें से जो विनिंग कैंडिडेट है इसको 71% मिल रहा है तो लूजिंग कैंडिडेट को कितना मिलेगा? 100 से माइनस कर लेंगे 29, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ से पता चलेगा 2 और ये बना है 6, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 42, है ना। 42% की वैल्यू आ रही है 756, ठीक। अब यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 1% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, है ना, इसको कैंसिल करके देखते हैं। देखिए अगर आप 7 से काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 6 और यहाँ पर आएगा 108। अब इसको फिर से काटेंगे तो आपको पता चलेगा 1% की वैल्यू है 18, 1% की वैल्यू है 18 तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे, है ना, 1800, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 1800। टोटल वोटर्स कितने? 1800, विकल्प ए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न दिया है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मत का 52% मत मिलता है। देखिए अब यहाँ पे वैध की बात हो रही है, अभी आगे समझाते क्या होता है ना, तथा 25% मत अवैध होते हैं, यदि कुल मतों की संख्या 8400 है तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत प्राप्त हुए? देखिए समझिए, टोटल जो 100% है ना, 100% इसकी वैल्यू तो दे रखा है 8400 है ना, क्योंकि कुल मत इतने हैं, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि अवैध, अवैध का मतलब पता है कुछ वोट फर्जी पड़े थे तो फर्जी वोट को काउंट ही नहीं किया जाएगा। अब देखिए कितने वोट फर्जी हैं, 25% है ना, 25% वोट फर्जी है तो जो 8400 है ना ये 100% की वैल्यू है, यहाँ से 25% कम करेंगे। देखिए अब परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू से आप निकाल सकते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जो भी आपको करना है, ठीक है। देखिए 8400 टोटल वोट है, ठीक है, 3/4, अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा 6300, ठीक, यही जो है ना ये आपका ओरिजिनल वोट है। अब इतने का क्या होता है कि 52% एक कैंडिडेट को मिल जाता है, 52% एक को मिलता है तो इसका 48% दूसरे को मिल जाएगा, है ना। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दूसरे कैंडिडेट को कितने वोट मिले, तो देखिए 63 × 48, क्योंकि परसेंट से 100 कट जाएगा, है ना, दो जीरो कट जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई कराएंगे 8×3=24, है ना। यूनिट डिजिट 4×1 का ही दिख रहा है तो यूनिट डिजिट के बेसिक पे मैं यहाँ पे ऑप्शन सी को टिक कर रहा हूँ, बाकी नन आप दीजिए तो आप कैलकुलेशन पूरा यार को कर ही देते हैं। देखिए यहाँ पे 63 × 48 मल्टीप्लाई कराना है, 8×3=24, 2 हासिल, 8×6 = 48, 2×50, है ना, फिर 4×3=12, 1 हासिल है, 4×6=24, 1×25, है ना, मल्टीप्लाई होगा 24, है ना, 25 × 5=30, 30×24 सही है, ठीक है। जब कभी भी नन आप दीज रहे तो एक बार मतलब कैलकुलेशन पूरा कर लेना चाहिए, हो सकता है कि यूनिट डिजिट के साथ कभी धोखा हो जाए। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने ये दिया है, चमनलाल, अरशद और जगजीत सिंह ने चुनाव लड़ा। देखिए यहाँ पे 3 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, डाले गए सभी वोट वैध थे, मतलब अवैध की बात नहीं है। अरशद को कुल मतों का 35% प्राप्त है। देखिए यहाँ पे समझिए, चमनलाल, अरशद और जगजीत 3 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, है ना। अभी हम मान के चलते हैं कि 100 वोट टोटल है, ठीक, 100 वोट टोटल है। अब इसके बाद क्या हो रहा है, देखिए रुके इसको थोड़ा और सही कर लेते हैं, यहाँ ये क्या हो रहा है, चलिए यहाँ पर 100% वोट है, ये 3 लोगों में बटेगा, चमनलाल, अरशद और जगजीत सिंह, ठीक। अब देखिए अरशद को कुल 35% वोट मिला तो मतलब इसमें से 35% वोट अरशद को मिल गया, ठीक, और चमनलाल को 35 में से 14 वोट मिलता है। देखिए अगर 35 वोट पड़ाना तो 14 वोट किसके पास चला गया, चमनलाल के पास चला गया। अब यहाँ से परसेंटेज निकालेंगे तो आपको पता चलेगा, देखिए ये कट जाएगा 2/5, 2/5 मतलब 40%, है ना, 40% वोट चमनलाल को मिला। देखिए 40 और 35, 75% निकल गया, बचा कितना, 25% मिल जाएगा जगजीत को। ये बात समझ में आया कि नहीं, कैसे हुआ? देखिए तो 35% डायरेक्ट इसको मिल गया। अब जब भी ना 35 वोट पड़ता था तो उसमें से 14 चमनलाल के पास चला जाता था, हमने परसेंटेज निकाला तो ये 40% मिला, ठीक है, इसको परसेंट में आप कन्वर्ट कर लेना, 2/5 की परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू होती है 40%, ठीक। अब देखिए यहाँ से आपको पता चला 40% इसको मिल रहा है, 35 इसको मिल रहा है, तो बचा 25 इसको मिलेगा। अब प्रश्न क्या बोल रहा है कि विजेता कौन है, चमनलाल है, है ना, विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति 25% वाले से, देखिए 49,950 मत अधिक प्राप्त होते हैं, परसेंटेज में कितना दिख रहा है, 15%,
है ना, 15% की वैल्यू है 4950। कैलकुलेट करेंगे तो 1% की वैल्यू पता चलेगा 15 तिया 45 और 0 330। ये 1% की बात है, तो आपसे पूछ रहे डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी, 100% मत डाला जाएगा, तो 20 और बढ़ा देंगे, 33,000 वोट्स यहाँ पर पड़े हुए हैं, विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या दिया, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार ए बी और सी ने भाग लिया, 10% पात्र मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। अच्छा एक चीज़ और देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये पिछले प्रश्न में भी और यहाँ पर भी हिंदी वर्जन दिया है, खाली इंग्लिश नहीं दिया। तो देखिए इसके पीछे का कारण ये है ना कि फॉन्ट मतलब तो अगर ज़्यादा छोटा कर दिया जाता तो आपको दिखता नहीं सही से, और अगर ज़्यादा बड़ा कर दिया जाता तो चीज़ें यहाँ पर सेट नहीं हो पाती। देखिए क्वेश्चन में हिंदी वर्जन इतना जगह ले रहा है ना, अगर इंग्लिश को भी सेट कर देते तो सॉल्व करने के लिए जगह नहीं बचती, तो इसीलिए सिर्फ यही कारण है कि एक ही फॉन्ट रखा गया। तो इसके लिए आप परेशान मत होइएगा, है ना, आप मैनेज कर लीजिएगा हिंदी से, कोई दिक्कत विशेष। देखिए बोला क्या जा रहा है यहाँ पर, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार ए बी और सी ने भाग लिया, 10% पात्र मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, मतलब जितने भी उसमें से 10 लोगों ने मतदान नहीं किया, मतदान करने वालों में से सिर्फ 45% ने ए को, 35% ने बी को और शेष ने सी को मत दिया। ए को डाले गए मतों में से 30% और बी को डाले गए मतों में से 20% मत को बाद में अवैध माना गया, जबकि सी को डाले गए सभी मत वैध थे। यदि ए को बी से 882 मत अधिक मत प्राप्त हुए तो सी को कितने वैध मत प्राप्त हुए। देखिए यहाँ पर ऐसे समझिए, देखिए 100 शुरू में है ना, 100%, इसमें से ना 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, मतलब कितने ने किया, 90 लोगों ने मतदान किया है। परसेंट मानो या ना मानो कोई फर्क नहीं, ठीक है, आप एक्स भी मान सकते हैं जैसे आपको आपकी सुविधा पड़े, ठीक है, हम खाली इसको मान के चल रहे हैं ना कि 100 और 90, ठीक है। देखिए 90 लोगों ने मतलब क्या किया, मतदान किया है। अब इसमें बोला जा रहा है कि देखिए मतदान करने वाले जो लोग हैं ना, 90 का 45% ए के पास जाता है, कुछ बी के पास आता है और कुछ सी के पास जाता है। देखिए 90 का 45% की परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू होती है 9/20, ये ए को मिल जाता है। बी को कितना मिल रहा है, देखिए बी को मिल रहा है इसका 35%। देखिए 90 का 35% मतलब 7/20, ये किसको मिल रहा है, बी को मिल रहा है। अब देखिए 9 और 7 16 हो गया, तो बचा कितना है, 4 बचा है, तो 90 का 4/20% ये किसको मिलेगा, ये मिलेगा सी को, ठीक। देखिए इतने इतने वोट्स मिल रहे हैं। अब ना बाद में देखिए जो ए है ना, ए का 30% अवैध हो गया, मतलब कैलकुलेट कितना होगा, खाली 70% होगा, तो 70% के लिए यहाँ पे लिख लेंगे 7/10। ये ए का वैलिड वोट है ना, ए का मतलब ए को इतने वोट मिले। आगे बोला जा रहा है बी का 20% इनवैलिड हो जाता है, तो बी का जो वैलिड हो जाएगा ये 80% मतलब 8/20, यहाँ पे 20 नहीं 10 होगा, 8/10 है ना, ए मतलब बी के पास इतने मत वैलिड है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या, ये डेटा एक बार समझ लीजिएगा, फिर से मैं फिर से समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि 3 लोग, देखिए पहले 100% लोग हैं, है ना, इसमें से आप 100% मानिए, 100x मानिए, कोई फर्क नहीं, ठीक। इसमें इसके बाद समझिएगा, परसेंट नहीं लिखते, x लिखते हैं। यहाँ से 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, मतलब वोट कितने ने दिया, 90 ने दिया। 90 लोगों ने जो वोट दिया ना, 3 पार्ट्स में बट रहा है, ए बी और सी। देखिए 90 वोट का 45% मतलब 45% की परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू होती है 9/20, ये ए को मिल रहा है ना, बी को मिल रहा है 90% का 7/20। देखिए 20 में से 9 इसको मिला, 7 इसको मिला, 16 निकल गया, तो बचा कितना, 4, 90 का 4/20 इसको मिलेगा। यहाँ पर ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब देखिए ए का जो 30% वोट है ना, इसको इनवैलिड कर दिया गया, तो वैलिड कितना बचा, वैलिड बचा इसके पास 7/10, ये ए का वैलिड वोट है, मतलब गणना यही होगी, है ना। अब बी की बात करेंगे ना, सॉरी फ्रेंड्स, बी का 8/10 मतलब 80% वोट वैलिड है, गणना इसकी होगी, है ना। अब ये हो गया, और सी के पूरे वोट वैलिड है। अब बोला जा रहा है ना कि ए और बी का जो डिफरेंस है, देखिए ए को बी से इतना वोट ज़्यादा मिलता है, मतलब अगर 90 × 9 = 63/200 देखिए इस जीरो को ना इधर भेज दीजिएगा, तो 80 या मतलब जैसे भी मल्टीप्लाई कराना, ठीक है, रुकिए 90 × 8 = 56/200 इसका जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस कितने का दिया, 882 का दिया, 882।
इस डिफरेंस को कैलकुलेट करेंगे। देखिए यहाँ पे 90 और बटे 200 इसको कॉमन कर लीजिएगा, 90 बटे 200 को कॉमन कर लिया गया है ना। इसके बाद यहाँ पे देखिए 63 और 56 अगर इसका डिफरेंस निकालेंगे तो मिलेगा 7 बराबर आपको दिख रहा है 8 8 2, 0 से 0 कट गया है ना। अब इसको काट कर चेक करते देखिए, अगर 7 से काटेंगे तो 7 1 का 7, 7 2 14, 7 6 42, ठीक। फिर 9 से काटेंगे ठीक, 14 बार में कटेगा ठीक। इस 20 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो 1 की वैल्यू आपको मिल गया, 14 × 20 मतलब 280, ये 1 की वैल्यू है। अब आपसे पूछ रहा ना कि सी को डाले गए वैध मतों की संख्या, देखिए अगर कुल मत पूछता तो आप यहाँ पे 100 से गुणा करा लेते है ना, कितने वैध मत थे तो 90 से गुणा करा लेते, ए को कितने वैध मिले ये हो जाता, बी का वैध ये और सी का वैध ये है ना। 1 की वैल्यू है 280 तो 90 × 4/5 सॉरी 5 नहीं 20 है, इसकी वैल्यू आपको निकालना है। देखिए 0 से 0 कट गया, 2 से 2 कट गया ठीक, 9 × 2 = 18 और 280, 18 और 280 का मल्टीप्लाई कराना, तो ये कैसे कराएंगे, 280 × 18 तो 280 को अभी साइड में रखिए, इसको 28 मान लीजिएगा, 28 और 18 का अगर गुणा होगा तो 23 का स्क्वायर - 5 का स्क्वायर, 529 में से 25 जाएगा तो 504 मिलेगा, और जो जीरो छूट रहा था उसको चिपका दीजिएगा, तो 5040 मतलब 5040, विकल्प बी इसका बिल्कुल सही है, एकदम बेहतरीन धाकड़ प्रश्न था। इससे अच्छा प्रश्न आपको सी सेट के लेवल पर नहीं मिल सकता है ना, तो आप सोच लीजिए लेवल कहाँ तक लेकर जाया जा रहा है, आपको कितना स्टैंडर्ड लेवल का डेटा दिया जा रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक गांव में 2 प्रत्याशियों के बीच चुनाव लड़ा गया, पात्र मतदाताओं में से 80% ने अपना वोट डाला तथा डाले गए वोट का 5% अवैध घोषित कर दिया गया। एक प्रत्याशी को 10,545 मत प्राप्त हुए जो कुल वैध मतों का 75% था, तो उस गांव में पात्र मतदाताओं की कुल संख्या कितनी। समझिए यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि इलेक्शन हो रहा है ना 2 प्रत्याशियों के बीच में, पात्र मतदाता जो है ना उसमें से खाली 80% लोग अपना मत दे रहे हैं, ठीक है समझिए, जैसे 100 लोग हैं, 100 में से क्या हो रहा है खाली 80% लोग, 80 लोग अपना वोट दे रहे हैं है ना। अब इसमें से भी क्या हो रहा है ना कि 5% को अवैध घोषित कर दिया गया, 5% मतलब 4 है ना, यहाँ पे 10% 8 हो जाएगा तो 5% 4, जब 4 वोट अवैध हो गया तो 76 यही वैलिड वोट है ना, यही वैलिड वोट है ना। अब बोला क्या जा रहा है कि एक प्रत्याशी को 10,545 मत प्राप्त हुए जो वैध का कितना है 75%। अब समझिए अगर हम 76 का 3/4 मतलब 75% कैलकुलेट करें तो हमको मिलेगा 10,545, ये मिल जाएगा है ना। अब यहाँ से देखिए इसको आगे बढ़ाएंगे तो आप लिख लेंगे 1 = 10,545 × 4/3 × 76, यहाँ से आपको 1 की वैल्यू मिल जाएगी। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि उस गांव में पात्र मतदाताओं की कुल संख्या बताइए, ठीक। अब पात्र मतदाता कितने हैं, पात्र मतदाता की बात करेंगे तो यहाँ पर 100% हो जाएगा है ना, 100% निकालने के लिए कैलकुलेशन आपको करना है, ठीक है। तो इस कैलकुलेशन को आप कर लीजिएगा, जो भी आपका आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर होने वाला है, इसका कैलकुलेशन करके आप आंसर को कमेंट कीजिएगा, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने ये है, 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव लड़ा गया, 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला और डाले गए मतों में से 5% अवैध घोषित कर दिया गया, सफल उम्मीदवारों को वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ और वह 1710 मतों के बहुमत से जीता, गणना करेगी कुल मत कितने मतदाता नामांकित थे। देखिए 100 लोग हैं टोटल, ठीक, 10% लोगों ने वोट नहीं दिया मतलब 90 लोगों ने वोट दिया, ठीक, और डाले गए मतों में से 5% मतलब देखिए यहाँ पे अब परसेंटेज में देखें, जब डेटा फंसने लगे ना तो अब आप यहाँ से ना मतलब इस पैटर्न से न करके आप इस पैटर्न के साथ जाइए। देखिए अब हमें नहीं पता है शुरू शुरू में कितने लोग हैं, देखिए एक्स मान लेते हैं, आप समझिएगा एक्स मान लिया गया, 10% ने मतदान नहीं किया तो 9/10 मतलब 90% ने मतदान किया है ना। अब डाले गए मतों का 5% अवैध है मतलब 95% मतलब 19/20 क्या है वैध है, ठीक सही हो गया। अब सफल उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मिला, देखिए अगर सफल उम्मीदवार की बात करेंगे इसको 55% मिला है तो जो हार गया उसको कितना मिलेगा 45% मिलेगा, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 10% आ गया। अब 10% को परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू में लिखा जाएगा 1/10 ये हो जाता है ना। और अब इसके बाद ये जो जीत रहा है कितने मतों से जीत रहा है 1710 मतों से जीत रहा है ना। ये पैटर्न आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा, देखिए किया क्या क्या, 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव लड़ा गया है ना। अब यहाँ पे 10% लोगों ने वोट नहीं दिया तो कितने लोगों ने दिया 90%, 90% की परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू 9/10 ठीक। और इसके बाद डाले गए मतों में से 5% अवैध हो गया तो वैध कितना है 95%, 19/10
पीस। अब इसके बाद ना जो सफल उम्मीदवार है इसको 55 मिला, तो हारने वाले को कितना मिला है? 45 मिला है। दोनों का डिफरेंस 10%, 10% की परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, और जो जीता है कितने मतों से जीता है? 1710। अब कैलकुलेट करेंगे, 19 × 9 = 171, 10 मिल गया है ना। अब एक्स की वैल्यू आपको चाहिए, तो सीधी सी बात है, देखिए 10 × 10 = 100, 1000, 1000 में 20 का गुणा कराएंगे, 20,000, विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। जिसका स्मार्ट अप्रोच है, एक लाइन में बड़े से बड़ा क्वेश्चन आप फिट कर देंगे, है ना। इसको एक वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा, आपको अच्छा समझ में आएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया, देखिए एक पंचायत चुनाव में एक उम्मीदवार हरिश्चंद्र को 30% मत प्राप्त होता है और वह 6 मतों से चुनाव हार जाते हैं, और एक अन्य उम्मीदवार ब्रिजभूषण को 40% मत प्राप्त होता है और 6 मतों से चुनाव जीत जाते हैं। बताइए उस गांव में कुल कितने मतदाता हैं? ठीक है, देखिए हरिश्चंद्र और ब्रिजभूषण दो लोग हैं। ठीक, देखिए हरिश्चंद्र को 30% वोट मिल रहे हैं और वो 6 मतों से हार जा रहे हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं, अगर इसको 6 मत मिलता तो चुनाव जीत जाता, ठीक, मतलब बराबर आ जाता। अब ब्रिजभूषण को 40% मिल रहे हैं और ये कितना मत एक्स्ट्रा पा रहे हैं? 6 मत। अगर इसको 6 कम मिला होता तो ये भी दोनों बराबर हो जाते। अब देखिए इसको इधर भेज दीजिएगा, इसको इधर भेज देना, 10% की वैल्यू 12, तो आपको 100% की वैल्यू चाहिए, 10 से गुणा करा देना, 120 हो जाएगा, विकल्प डी। अगले प्रश्न पर आते हैं, है ना। अगला प्रश्न, ये आज का अंतिम प्रश्न है। एक गांव में पुरुष मतदाता और महिला मतदाता की कुल संख्या 70,000 है, ठीक, मतलब मेल फीमेल है 70,000। यदि पुरुष मतदाताओं की संख्या में 6% की वृद्धि हो जाए और महिला मतदाताओं की संख्या में 4% की वृद्धि हो जाए तो कुल मतदाताओं की संख्या 73,520 हो जाती है। बताइए प्रारंभ में पुरुष मतदाता और महिला मतदाता के बीच का अंतर क्या होगा? देखिए एक तरीके से ना ये इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, बस घुमा करके दिया गया, समझिए। शुरू में मेल प्लस फीमेल दोनों मिलाकर कितने थे? 70,000, ठीक। अब हो क्या रहा है, जो मेल है ना, ये देखिए मेल कितना बढ़ रहा है, 6%, और फीमेल कितनी बढ़ रही है, 4%, और इसके बाद क्या हो जा रहा है, गांव क्या हो जा रही है, 73,520, समझिए। यहाँ पे जो ओवरऑल ग्रोथ है कितना है, 3520 है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ना मेल जो बढ़ रहा है 6% बढ़ रहा है, फीमेल 4% बढ़ रही, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि जो टोटल पॉपुलेशन है, मेल 4+2 बढ़ रहा है और फीमेल कितनी बढ़ रही है, 4 बढ़ रही है, मतलब 4% तो दोनों में वृद्धि हो रही है, ठीक। तो 70,000 का अगर आप 4% निकालेंगे तो मिलेगा 2800 तो दोनों बढ़ रहे हैं, ठीक, 2800 दोनों बढ़ रहे हैं, तो 720 ऐसा है ना कि 720 जो वृद्धि हो खाली मेल की है, जो 2% है ना, यही है। तो 2% की वैल्यू कितनी है, 720। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 360। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36,000। तो देखिए शुरू में जो मेल थे वो 36,000 थे, अगर मेल 36,000 है तो फीमेल कितनी हो जाएगी, 34,000 हो जाएगी, और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा, 2K मैं लिख दे रहा हूँ, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 2,000, विकल्प बी। तो देखिए आज की ये क्लास रही हम लोगों की, वन क्लास वन कॉन्सेप्ट। उम्मीद है कि आपको इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को आप एक बार फिर से देखिएगा, और इस प्रकार के वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल सी सेट प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर अभी तक आपने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पैड कोर्सेज को परचेस नहीं किया तो आप ज़रूर से परचेस कीजिएगा, जिसके लिए आपको इन दिए गए नंबर से संपर्क करना है। और साथ में ना आप प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिएगा। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ।